कुछ अरसे पहले मैंने ये वीडियो ग्रीन फिल्म्स लेक्चर्स पर एक शॉर्ट लेक्चर था लिखा हुआ, और जो इन पेज की फाइल पर लिखा हुआ था ये मैंने शेयर कराया था, और इसका उन्वान था 5 साल बाद हर घर में एक किसान होगा। इसका उन्वान था 5 साल बाद हर घर में एक किसान होगा। वो लेक्चर मुझे अब जाके ज़्यादा बेहतर समझ में आया है। ये जो मौजूदा बारिशें हुई हैं पाकिस्तान में गांव देहातों में और पहाड़ी इलाकों में, तो ये बड़ी एक तरह से तो बहुत अफसोस की बात है कि सेफ्टी का सिक्योरिटी का वैसे तो कोई इतना ख़ास इंतज़ाम नहीं है, मगर जो मुझे समझ में आई ये बात वो ये बात है कि अभी जो इतना पानी जो बारिश की सूरत में आया ये एक तरह से मदद भी थी अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से, पूरी पूरी जो एक क्लाइमेट चेंज का जो भी चल रहा था, क्योंकि पानी की कमी तो वैसे ही बहुत थी, लेकिन पानी जब ये बारिश की सूरत में आया है तो इसको महसूस करने का भी कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। तो अब ये पता चल गया कि भाई ये जो इतना सारा पानी जो आया है गाँव देहातों में इधर उधर, अगर बारिश के पानी को महफूज करने के लिए कोई छोटा छोटे छोटे डैम बना दिए जाएँ, छोटी छोटी ऐसी जगह सीवरेज की सेटिंग जो भी होती है ज़्यादा मकदार में पानी ज़्यादा मकदार में पानी जमा करने के लिए बना दिया जाए, तो यही पानी सारा जो है जो भी फसलों को जिन्होंने ज़ाया कर दिया, बहुत सारी फसलों को तबाह कर दिया, ये पानी यही पानी दोबारा फसलें उगाएगा, ये इस तरह सोचना पड़ेगा कि ये जो पानी बारिश का पानी इतना सारा आया है और इससे बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन साथ साथ ही पानी भी ज़ाया हो गया, तो ये पानी उल्टा सेव हो जाए, महफूज कर लिया जाए कि ये पानी दोबारा फसलें भी उगाएगा। ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ इस तरह से पानी को स्टोर कर लिया जाता है। अब जो बात समझने की है वो बात तो ये है कि जो ये वीडियो लेक्चर मैंने लिखा था कि हर 5 साल बाद पाकिस्तान में हर घर में 5 साल बाद हर घर में एक किसान होगा, वो किसान कहने का मतलब क्या है, किसान कहने का मतलब ये है कि किसान तो सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान के लिए, जो खेतों खलिहानों में काम कर रहे होते दिन रात धूप में, ना तो कैप पहने हुए होते सर के ऊपर, ना कोई उनके पास छतरी होती है, कुछ भी नहीं होता, वो धूप में लगे रहते हैं सर पे साफा वगैरह रुमाल वगैरह बांध के, जो भी कपड़ा वगैरह होता है, और वो दिन रात जो है खेत खलिहानों में अनाज उगा रहे होते हैं, बीज बो रहे होते हैं। तो समझ में ये बात आती है कि वाकई 5 साल बाद पाकिस्तान के हर घर में एक किसान होगा, जैसे कि पहले कभी कहते थे ना कि यार वो बंदा फलाना बंदा तो शेफ है बावर्ची है, तो अजीब सा लगता था, लेकिन अब तो सारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में आ गया कि ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी पढ़ना पड़ेगा, इसकी भी तालीम होगी, इसकी भी क्लासेस होंगी। इसी तरह किसान बनने के लिए यानी आपको जो नई नस्ल है जो यंगस्टर्स हैं स्कूल में कॉलेज में गांव देहातों के जो स्कूल हैं उनमें जो सब्जेक्ट होगा वो खेती बाड़ी के मुतालिक भी तो होगा ना, कैसे खेती बाड़ी करते हैं, शहरों में भी जो स्कूल और कॉलेजेस में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें भी सब्जेक्ट हो, उसमें भी अलग से किताब हो, उसमें भी चॉइस हो, जिससे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पिछले 40 साल से एक तिलस्माती सोच चल रही है कि भाई डॉक्टर बन जाए इंजीनियर बन जाए वो भी ज़रूरी है, मगर अब ये भी होना चाहिए कि चॉइस होनी चाहिए कि भाई फला बंदा जो है वो तो किसान बनेगा, किसान कहते हैं उसको गार्डनिंग कहते हैं, उसको बगीचा बनाने वाला कहते हैं, उसको माली कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत पैसा है और बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत नौकरियाँ हैं, तो ये भी तालीम के तौर पे पढ़ाया
जाना शुरू किया जाना चाहिए कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनकी चॉइस होगी, अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो गांव जाए अपने रहते हो, अब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसी कस्बे से ताल्लुक़ रखते हो, शहर में रहकर भी सब्जियां उगा सकते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान में तो अलहमदिल्ला ऐसी मिट्टी है कि जिसमें ज़्यादा केमिकल्स की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे ममालिक में तो वो केमिकल्स भी मिलाने पड़ते हैं, उनको पहले ज़मीन भी तैयार करनी पड़ती है दीगर केमिकल्स से और फैक्ट्रियों से बनाने के बाद। अब यहाँ तो यहाँ की मिट्टी तो इतनी अच्छी है कुछ भी लगाओ वो उसको उग जाता है। तो ये लेक्चर जो मैंने तैयार किया था क्योंकि अचानक से याद आया कि इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात होनी चाहिए कि ये तो जब ये इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाएगा शॉर्ट कोर्सेज की सूरत में और जब ये कॉलेजेस में भी पढ़ाया जाएगा, जब ये डिग्री के तौर पे भी पढ़ाया जाएगा, तो इसके इंजीनियर्स तो अलग होंगे ना, खेतीबाड़ी की फील्ड है, इसके इसके डॉक्टर्स तो अलग होंगे खेतीबाड़ी के, यानी कि फसलों को कैसे परवान चढ़ाने, कैसे उसकी हिफाजत करनी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्योंकि खाद होती है, पानी होती है, उसकी भी एक निगहदाश्त होती है, ये पूरे पूरे सब्जेक्ट हैं, इस तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसा कि मुझे महसूस हुआ और मुझे लगा। और इसके लिए घरों की छतें हैं वहाँ सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं, फैक्ट्रियों के पास खाली जगह होती है वहाँ उगाई जा सकती है, किराए के मकान के आंगन जो होते हैं बाज वो बहुत बड़े होते हैं, उनमें खेतीबाड़ी की जाए खेतीबाड़ी तो की सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं, क्योंकि वही सब्जियाँ जो ज़्यादा मिकदार में आप उगाएंगे 500 किलो 1000 किलो कुछ भी तो वो बिकेंगी भी, तो कौन मना करेगा ख़रीदने से। ऐसे ऐसे मुझे ख्याल आता है तो मैंने बोला एक वीडियो इस तरह का भी बना दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।